अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ये एक BRVR 2018 मॉडल, इसका हम रिव्यू शॉट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी चाबी देख लें, जो कि एक सिंपल सी है। इसमें एक आपके पास लॉक का ऑप्शन आ जाता है और एक अनलॉक का ऑप्शन आ जाता है। और ये इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, अंदर से ये ऐसे करके कोई की है, ये इसके ऊपर कवर है। और अगर हम गाड़ी पर आ जाएँ तो आगे इसके हमें हैलोजन बल्ब मिल जाते हैं, मगर इसमें मैंने ये LED इंस्टॉल करवाई हुई है। फॉग लाइट में भी हैलोजन बल्ब हैं, और ये ऊपर इसके कोई एक किट सी लगी हुई है, ये नहीं आती किट। और ये भी रैप है, ये क्रोम में आता है, और ये भी खुद से हुआ हुआ, ये भी ये लाइट होती है पूरी। आगे से इसकी ऐसी लुक है, ये बड़ी बड़ी गाड़ी जैसी लुक है, मतलब फैमिली के लिए बहुत अच्छी कार है। रिम इसमें ये डलवाए हुए हैं, ये स्टॉक रिम इसके दूसरे होते हैं, ये रनिंग बोर्ड भी इसकी किट में शामिल होते हैं। साइड से इसकी प्रोफाइल ऐसी है, और ये डोर हैंडल भी खुद ही रैप किए हुए हैं, ये क्रोम में होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये साइड से इसकी लुक है, बैक से अगर हम बात कर लें तो ये ऐसी लुक है। ये नीचे किट लगवाई हुई है, किट नहीं आती है, आम इसका सादा बम्पर होता है। ये भी ब्लैक रही हुई है, ये भी ब्लैक रही, ये दोनों क्रोम में होती हैं। और ये लाइट इसकी सिंपल होती हैं, दरमियान में ये स्मोक पेपर लगाया हुआ है ब्लैक, ये आम जो वाइट कलर की होती है गाड़ियाँ। बैक पे इसका एक वाइपर आ जाता है, पीछे से प्रोफाइल है, और साइड से ये ऊपर इसका एंटीना आता है, वो मैंने अभी उतारा हुआ है। और ये इसकी नोज़ल है जहाँ से पानी आता है वाइपर के लिए। ओवरऑल गाड़ी की ये बड़ी प्यारी लुक है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी कार है। एक दफ़ा आपको 360 दे देते हैं, ये। और अगर हम अंदर की बात कर लें तो इस तरह ये मैनुअली गाड़ी अनलॉक होती है, LED साइड में रहे LED बल्ब। अंदर से ऐसा कोई इसका दरवाज़ा है, ये ड्राइवर विंडो ऑटो है, बाकी ये ऐसे होंगी। ये यहाँ से एडजस्टमेंट होगी साइड मिरर की, इस बटन से साइड मिरर क्लोज होंगे, और ये वो आगे जो एडजस्टमेंट होती है। और अगर अंदर से बात कर लें तो इस तरह का कुछ इसका स्टेयरिंग है, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल आते हैं, चैनल कंट्रोल आते हैं, मोड आते हैं, ऐसा करके इसका मीटर है, ये इसकी LCD है, ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पे आपके पास कुछ स्पेस आती है, यहाँ पे स्पेस आती है, या आपके पास चार्जिंग आती है, या सिगरेट लाइटर जो भी है। ये आपके पास ऑटोमेटिक गियर आता है, ये इसका डैशबोर्ड है। एक इन्होंने कार्बन फाइबर जैसा लुक देने की कोशिश की हुई है, मगर अच्छा लग रहा है। और डैशबोर्ड में स्पेस भी अच्छी है इसकी। ऊपर बात कर लें तो ये इसका पीछे देखने वाला, और यहाँ पर आपके पास एक आता है शीशा, और यहाँ पे भी आपके पास आता है एक शीशा। ये इसकी लाइट है, और ये पीछे भी इसकी एक लाइट है। और अगर हम इसको स्टार्ट करें तो यहाँ पे इसकी कुछ चाबी लगती है, और ऐसे करके कोई इसका स्टार्ट है। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल मीटर आता है, यहाँ पे RPM आता है, और यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर है। और अगर हम बात करें यहाँ की तो ये आपके पास ट्रिप पे रेंज शो कर रहा है, ये एवरेज शो कर रहा है, और ये ट्रिप भी शो कर रहा है, और ये आप यहाँ से टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। और एक और फंक्शन है, अगर हम इसकी ये यहाँ से ये लाइट ऑन करें और इसको अगर हम घुमाएं तो ये आप ब्राइटनेस भी तेज़ और हाई कर सकते हैं। ये अभी मैंने फुल हाई पर की हुई है, और ये बंद। ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ से आप ये ऊपर कर सकते हैं, यहाँ से नीचे, ये ऑन ऑफ, ये रियर, ये फ्रंट, ये इसके मोड्स हैं, ये इसका ये मैक्स कूल आता है, ये AC, ये गर्म करनी है हवा आगे, आपने ठंडी करनी है। और ये इसका आता है हवा वाला, मतलब बैर से हवा अंदर करनी है, और ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं है। और अगर फीचर्स के बाद बात की जाए तो इसमें ABS आ जाती है, ECP आ जाती है, और दो तीन फीचर्स हैं। और पैसे मैंने ये गाड़ी ली थी 28 की, मगर इतने बजट में मैं कहता हूँ कि अगर ये पुश स्टार्ट और सनरूफ दे दे तो बड़ी अच्छी बात थी,
मगर पुश स्टार्ट तो इन्होंने नई वाली जनरेशन में दे दिया जो 1920 में, मगर ये सनरूफ दे तो अच्छी बात होती। ये स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, और यहाँ पे ये एक मैंने खुद लगवाया भाई, ये लगा हुआ नहीं आता, मगर अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें लगाते हैं। हैंड ब्रेक इसकी आम वो सादी वाली है। और अब हम पीछे चलते हैं, पीछे की देखते हैं। तो अब मैं पीछे आ गया हूँ, तो अगर इधर बात की जाए तो काफ़ी सही स्पेस है, ये बीच में हम्प है एक आपका, और ये सीट मैंने फुल पीछे की हुई है, मगर मतलब फिर भी ये काफ़ी अच्छी स्पेस है, सही है, मगर काफ़ी पीछे हुई है, अभी थोड़ा आगे करूँगा तो और काफ़ी स्पेस हो जाएगी। आगे से इसकी ऐसा कोई इंटीरियर की लुक है। ये पीछे आपको एसी विंड्स आ जाते हैं, ये यहाँ पे इसका कंट्रोल है, और ये आप ये ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, और ये इसके दरवाजे हैं, यहाँ पे आपके पास स्पेस आ जाती है, यहाँ पे स्पेस आ जाती है, आपके पास सीट बेल्ट आ जाती हैं। और ये 7 सीटर कार है, तो इसकी पीछे भी काफ़ी स्पेशियस रो है, मतलब कि आप आराम से दो अडल्ट बैठ सकते हैं शॉर्ट जर्नी के लिए। आपके पास एक लाइट आ जाती है पीछे, और काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मतलब स्पेस बहुत है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी कार है। और आपको इसका इंजन भी दिखा लेते हैं। इंजन की बात की जाए तो ये 1500 cc इंजन है इसका, ये ऐसा कोई इंजन है, देखने में काफ़ी अच्छा इंजन है, मतलब अंडर पावर नहीं लगती गाड़ी इतनी बड़ी बॉडी के साथ 1500 cc। इसको आगे माउंटेन एरियाज में भी ले गए हैं तो इसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कहीं फंसी नहीं है गाड़ी। और अगर इसकी लाइट्स की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि हैलोजिन आती है, मैंने इसमें LED इंस्टॉल करवाई हुई है, तो ये हैं इसकी कुछ लाइट्स। ये आपके पास DL आ रहा था पार्किंग लाइट, ये मैंने LED इंस्टॉल किया, भी हैलोजिन आती है इसमें, भी मैंने LED इंस्टॉल, इसमें हैलोजिन आती हैं, और फॉग लाइट्स हैलोजिन ही है इसकी, ऐसे करके कुछ ऐसा जिसकी लाइट है, काफ़ी अच्छा थ्रो है इनका भी। और एक और फीचर आपको बताना था कि इसकी जो ड्राइवर सीट है ये मैन्युअली एडजस्टेबल है, मतलब कि आप इसको ऐसे करके ये देखें ऊपर हो रही है, और अगर हम नीचे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगी, और अगर हम लाइट्स ऑन करें तो मीटर पे हमें ऐसा कोई होता है शो ये। और ये इसकी फोग लाइट है, ये इसका DLR है, ये हमने बंद कर दिया, और अगर हम दरवाज़ा खोलते हैं और गाड़ी की चाबी अंदर आती है तो इस तरह पीप साउंड करती है ताकि हमें पता चल जाए ये अभी हम। और AC भी इसका बहुत अच्छा है गर्मियों में। और ट्रंक स्पेस की अगर हम बात कर लें तो ये इधर लगे हुए हाइड्रोलिक, तो इसकी वजह से आप ट्रंक इजीली ओपन कर सकते हैं। ये पीछे भी काफ़ी सही स्पेस है, ये अगर हम ये सीट रिट्रेक्टेबल हैं, ये मतलब के आगे को फोल्ड, ये आगे को होती हैं, और ये यहाँ से अगर हम इसका खींचें तो ये इस तरह आगे हो जाती हैं, तो काफ़ी बड़ी आपके पास स्पेस आ जाती है। और इसका जो टूल बॉक्स होता है वो यहाँ पे होता है, ये इसका टूल बॉक्स है, इसका जैक है, और ये वो जो पाना वगैरह होता है इसका। और इसके नीचे ये इसकी स्टेपनी के लिए है जो कि यहाँ पे है, ये। और बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। डिग्गी इसकी बंद कर देते हैं। ये रियर व्यू कैमरा आता है हमारे पास यहाँ पे, और ये गाड़ी है टोटल काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ये लेनी भी चाहिए, काफ़ी लोग ले चुके हैं, मगर अब इसकी प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो गई है। सही गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, ये देख लें आप। और ये रिट्रैक्टेबल मिरर है, मतलब कि अंदर से हम इसको ऑटोमेटिकली बंद और खोल सकते हैं, ये गाड़ी। तो ये था आज का हमारा रिव्यू, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फॉर और मोर गाड़ियों के लिए, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किस गाड़ी का रिव्यू चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूँगा। सपोर्ट करें मुझे, मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे। तो ये फिर आज का हमारा रिव्यू था, अल्लाह हाफिज़।